हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? मज़े में? आज मैं बनाने जा रही हूँ प्यारी प्यारी चिकन बोनलेस बटरफ्लाई स्टाइल। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, इसमें हमें चाहिए तकरीबन आधे बेल पेपर या शिमला मिर्च भी जिसको कहते हैं रेड कलर में, वो वाली ले लें। और साथ में हमने एक पूरा गार्लिक ले लेना है, एक छोटा सा प्याज, और हमने ग्रीन चिली लेनी है एक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 इंच का टुकड़ा है जिंजर का भी इसके नीचे। इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है, और तकरीबन स्मोक्ड पेपरिका जो मिल जाता है शॉप से आसानी से 2 टीस्पून डालने, खाइन पेपर जो हॉट वाली होती है वो 1 टीस्पून, 2 टीस्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद वाली मिर्ची होती है, और 1 टेबल स्पून टमाटो प्योरी या पेस्ट कुछ भी कह लें, और 1/2 कप हो जाएगा इसमें तेल का। लेमन जूस की बजाय आप इसमें विनीगर डालें, मेरे पास था नहीं अभी तो मैंने इसलिए लेमन जूस डाला है। और 1 छोटा टीस्पून जो है वो होगा इसमें ब्राउन शुगर का भी। तो जो स्पाइसेस होते हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा रेड चिली पाउडर जो है वो ज़्यादा डाल लें। तो इन सब चीज़ों को अपने ब्लेंडर में डालना है। प्याज डाल देंगे, लहसुन, अदरक, और जो हमारी पेपर है शिमला मिर्च वगैरह, ग्रीन या रेड जो भी मिल जाए, लेकिन रेड ज़्यादा बेटर है। और इसमें तेल भी डाल देंगे, 1/2 कप है तेल का। और विनीगर डाल दें या लेमन जूस। ये काफ़ी रेसिपी हेल्थी भी हो सकती है, ग्रिल पैन में बना रहे हैं हम तो सैलड वगैरह के साथ खाएं। तो इसमें हम चिली पाउडर डाल देंगे, पेपरिका है 2 टीस्पून, थोड़ा आई बॉली कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन मेजरमेंट मैंने आपको दी है, आप इस हिसाब से थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो रेड चिली पाउडर डाल दिया है, पेपरिका डाल दिया है, और नमक डाल दिया है, और काली मिर्चें, साथ में सफ़ेद मिर्च वगैरह भी, और टमाटो पेस्ट, शुगर भी डाल दें। सब चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड करना है। इसमें थोड़ी सी हम योगर्ट भी डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। फिर सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद रख लेंगे एक साइड पे, जब तक कि हम अपनी चिकन को तैयार कर लेंगे। अब ब्लेंड करने के बाद इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। चलिए जी, अब हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। इसको अगर थोड़ा थिक होती है चिकन तो इसको अगर दरमियान से काट कर थोड़ा इसको किसी भी जो होता है मीट हैमर वगैरह होता है, या भी मैंने रोलिंग पिन इस्तेमाल किया है उससे आप थोड़ा पाउंड कर लें। इससे ये होता है कि इसके रेशे थोड़ा टूट जाते हैं तो ये सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह हमने अपनी सारी चिकन को काट के दरमियान से और पाउंड कर लेना है किसी भी चीज़ से, रोलिंग पिन अगर ले लें या जो मीट के लिए हैमर वगैरह होता है उससे। उसके बाद हमने उसको प्याले में, एक बड़े प्याले में डाल दें और अपने जो सारे मसाले वगैरह हैं वो अच्छी तरह मिला दें। इसमें ओरिगैनो भी डालना है 2 टीस्पून, ये आप पहले भी डाल सकते हैं मैरिनेशन में ही, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। अच्छी तरह मैरिनेट करके, अगर ओवरनाइट रख लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा चिकन को मैरिनेट करें उतना ही ज़्यादा उस फ्लेवरसम होती है। लेकिन अभी 1/2 घंटे के लिए रख लें अगर टाइम नहीं है तो। बस आप ग्रिल पैन में हीट ऑन कर लें, आप चाहें तो थोड़ा सा आप तेल भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा हेल्थी बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने तेल नहीं ज़्यादा डाला है, जो बस मैरिनेशन में डाल दिया। तो इसको हमने मीडियम गैस पे ऐसे 5-6 मिनट पकाना है। साइड चेंज करके
सारी चेंज करके इसको अनदर 10 मिनट तक पका लें जब तक ये कुक ना हो जाए। गैस को हीट को जो है वो बहुत लो मीडियम की तरफ कर दें, और चाहें तो आप इसको कवर कर लें। कवर करने से थोड़ा जल्दी कुक हो जाएगी, और हम थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, एक दो चम्मच, उससे नीचे से जल ना जाए मसाला वगैरह। और वो पानी फिर वो थोड़ा स्टीम का काम भी करता है, अगर हमने कवर किया हो तो वो स्टीम कुक होके चिकन बहुत फिर नाइस सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है। तो बस इस तरह फिर हम सारा पानी ड्राई कर लेंगे हमारी चिकन को, जब तक के डन हो जाती है उस वक्त तक पकाएंगे, और फिर निकाल लें प्लेट में, और आप अपनी पसंद की चीज़ के साथ सर्व करें। इस तरह मैंने सारी अपनी चिकन जो है वो बना ली। मैंने चावलों के साथ जो राइस मिलती है, यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो राइस है, कोल्सला है, थोड़ा साथ में कोक ड्रिंक वगैरह है, तो इसके साथ जो लेफ्ट ओवर मैरिनेशन होता है उसके साथ हम इसका बहुत मज़े का एक सॉस भी बना सकते हैं। बस आपने जो बर्नड पीसीस होते हैं पैन से वो स्क्रेप कर देने, वो निकाल देने, और पैन में फिर ये हमारा जो लेफ्ट ओवर मैरिनेशन था वो सारा पानी थोड़ा सा मैंने ब्लेंडर में डाल के वो सारा मसाला भी इसके अंदर डाल दिया, और इसको हम थोड़ा लो गैस पे पकाएंगे जब तक थोड़ा थिक सा हो जाए। तो फिर एक बाउल में निकाल लेंगे, थोड़ा सा कूल डाउन हो तो उसमें हम थोड़ी मेयोनेज़ डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे, तो बहुत मज़े का एक सॉस भी साथ में तैयार हो जाता है। चिकन तैयार है हमारी, बहुत मज़ेदार, जूसी, टेंडर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन्जॉय करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।